नमस्कार, एस्ट्रो टुडे एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वर्ष 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। बृहस्पति नवग्रहों में नैसर्गिक शुभ ग्रह माने जाते हैं और ज्ञान के कारक हैं। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में एजुकेशन, भाग्य, संतान, विवाह, वेल्थ, ज्ञान और ऐसी कई बातों का विचार बृहस्पति की स्थिति से किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन मेष, वृषभ और मिथुन राशि में जन्मे लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, ये बदलाव आपके लिए शुभ होंगे या अशुभ, और ये भी जानेंगे कि किन उपायों को करके आप बृहस्पति के प्रभाव को बेहतर बना सकते हैं और राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम कर सकते हैं। लेकिन यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए सबसे पहले मेष राशि में जन्मे लोगों पर 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से होने वाले प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। 22 अप्रैल 2023 को आपकी ही राशि मेष में गोचर करने जा रहे हैं और 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि में ही रहेंगे। फर्स्ट हाउस में बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए अच्छे फल देने वाला रहेगा। देवगुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान, धन, विवाह, संतान, ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा के कारक माने जाते हैं, इस वर्ष 22 अप्रैल 2023 को आपके फर्स्ट हाउस में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह राशि परिवर्तन आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने वाला सिद्ध होगा। इस समय अंतराल में आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, वर्कप्लेस पर आपका मान सम्मान बढ़ेगा, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावशाली बनेगी, धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ेगी। इस समय अंतराल में आप ज्यादा स्पष्टवादी, सत्य का साथ देने वाले और निर्भीक बनेंगे। फर्स्ट हाउस से देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके पंचम भाव पर होगी और पंचम भाव से एजुकेशन और संतान का विचार किया जाता है। देवगुरु की पंचम भाव पर दृष्टि मेष राशि के स्टूडेंट्स के लिए शुभ रहेगी। आप अपने हार्डवर्क और इंटेलिजेंस से शिक्षा में नया आयाम स्थापित करेंगे। जिन बच्चों का मनचाही जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा या इंटरव्यू में दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी समाप्त होती नजर आएंगी। एजुकेशन सेक्टर, रिसर्च और पॉलिटिक्स के क्षेत्रों में लाभ के अवसर बनेंगे। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे संतान की शिक्षा, विवाह या नौकरी संबंधी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा। निसंतान दंपतियों को संतान उत्पत्ति में आ रही बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और संतान सुख की प्राप्ति के योग बनेंगे। फर्स्ट हाउस से देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके सेवंथ हाउस पर रहेगी। सप्तम भाव से मैरिड लाइफ, स्पाउस, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है और देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ को और मधुर बनाएगी, विवाह संबंधी सभी परेशानियों को समाप्त करेगी। दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों में लाभ के अवसर बनेंगे। मेष राशि के जिन युवक युवतियों के विवाह में विलम्ब हो रहा है या कोई अड़चने परेशानियां आ रही हैं, उनके विवाह के योग भी बनते नजर आ रहे हैं। फर्स्ट हाउस से देवगुरु की नवम दृष्टि आपके नाइन्थ हाउस यानी भाग्य भाव पर रहेगी और मेष राशि में जन्मे लोगों के लिए बृहस्पति का यह गोचर भाग्य में वृद्धि करवाने वाला रहेगा। प्रमोशन के योग बनेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, कर्जों से मुक्ति मिलेगी और सेविंग्स करने में भी समर्थ होंगे। देवगुरु का यह गोचर धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ाने वाला रहेगा। देश विदेश की यात्राओं के योग बनेंगे जो लाभ करवाने वाले रहेंगे। धार्मिक यात्राओं के भी योग बनेंगे। इस समय अंतराल में भाग्य का भरपूर साथ मिलने से हर क्षेत्र में लाभ होगा। यदि नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं या बच्चों को मनचाही जगह एडमिशन नहीं हो पा रहा या इंटरव्यू में दिक्कतें आ रही हैं, वो सभी समाप्त होती नजर आएंगी। इसके अलावा संपत्ति संबंधी चल रहे पुराने कोर्ट केस भी समाप्त होंगे। आपके फर्स्ट हाउस में राहुल पहले से संचरण कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति जब फर्स्ट हाउस में प्रवेश करेंगे तो गुरु और राहु की युति
गुरु चांडाल योग बनाएगी और इस योग का बनना अच्छा नहीं माना जाता। इस समय अंतराल में हर कार्य धैर्य और विवेक के साथ करें। किसी भी भ्रम और शक के चलते यदि मैरिड लाइफ में परेशानियां आ रही हैं, तो उन्हें बहुत समझदारी से सुलझाने का प्रयास करें। अक्टूबर 2023 में राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो उसके बाद स्थितियां आपके लिए और ज्यादा अनुकूल बनेंगी। इसके अलावा गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए वीडियो में आगे बताए गए उपाय अवश्य करें। मेष राशि में जन्मे लोगों के उपायों की बात करें तो डेली केसर और हल्दी का तिलक लगाएं, तांबे या पीतल का कड़ा पहन सकते हैं या पीले रंग का धागा बांध सकते हैं। डेली गायत्री मंत्र का जाप करें, पीली वस्तुओं का दान करें, गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनें, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं, मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं या किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे की स्कूल की फीस देकर उसकी पढ़ने में मदद कर सकते हैं या स्कूल की बुक्स दिलवा सकते हैं। देवगुरु का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि में जन्मे लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? वृषभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के 22 अप्रैल 2023 को होने वाले राशि परिवर्तन की बात करें तो 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु अपनी राशि मीन को छोड़कर मेष राशि में गोचर करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल तक 11th हाउस यानी लाभ भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल को 12th हाउस यानी व्यय भाव में गोचर करेंगे। 11th हाउस में गुरु का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है। यहां स्थित गुरु बहुत अच्छे फल देते हैं और 22 अप्रैल तक का समय वृषभ राशि के लोगों के लिए अच्छा रहेगा। यदि आपकी राशि भी वृषभ है लेकिन आपके लिए पिछला साल ज्यादा फलदायी नहीं रहा तो आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु की स्थिति कमजोर होगी, इसलिए आपके लिए गुरु के उपाय करना बहुत जरूरी रहेगा क्योंकि 12th हाउस यानी व्यय भाव में गुरु का गोचर ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। 12th हाउस जो कि खर्चों का भाव है, यात्राओं का भाव है, लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं करवाता है, लग्जरीज पर धन खर्च करवाता है, बीमारियों पर धन खर्च करवाता है और मोक्ष का कारक है। यहाँ स्थित गुरु धर्म कर्म के कार्यों में आस्था बढ़ाता है और दान पूजा पाठ अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ाता है और गलत कार्यों में लगे लोगों को सजा दिलाने का भी काम करता है। इसलिए वृषभ राशि के लोगों को 22 अप्रैल 2023 से लेकर 1 मई 2024 तक विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी प्रकार के गलत और अनैतिक कार्यों से दूर रहें और धर्म कर्म से जुड़े कार्य करें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है। 12th हाउस से देश विदेश की यात्राओं या लंबी दूरी की यात्राओं का भी विचार किया जाता है, इसलिए 22 अप्रैल 2023 के बाद आपको विदेश से जॉब ऑफर आ सकते हैं या जो लोग फॉरेन सेटल होना चाहते हैं उन्हें इस टाइम पीरियड में विदेश जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा घूमने फिरने के लिए भी विदेश जा सकते हैं। जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाने की सोच रहे थे उन्हें विदेश जाने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके चलते आप अपने खर्चों में भी वृद्धि महसूस करेंगे क्योंकि व्यय भाव में स्थित गुरु धन खर्च भी करवाते हैं। यहाँ बैठे गुरु धार्मिक व मांगलिक कार्यों के साथ साथ मकान, वाहन, घूमने फिरने और लग्जरीज पर भी धन खर्च करवाते हैं और कई बार तो कर्ज तक लेने की स्थिति बन जाती है। इसलिए जो भी करें सोच विचार कर प्लानिंग से करें, अच्छा रहेगा। अपना और अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें क्योंकि 12th हाउस में स्थित गुरु बीमारियों पर भी धन खर्च करवा सकते हैं। इसलिए पहले से ही हेल्थ के प्रति सजग रहें ताकि ऐसी किसी स्थिति से बचा जा सके। 12th हाउस में बैठे गुरु की दृष्टियों की बात करें तो 12th हाउस से गुरु की पंचम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ेगी, जिसके चलते प्रॉपर्टी या वाहन जैसी चीजों पर धन खर्च हो सकता है जो कि खर्चों में वृद्धि का कारण बनेगा, लेकिन यह धन खर्च अच्छे कार्यों पर होगा
जो कि आपके सुखों में वृद्धि का कारण बनेगा। इसलिए वृषभ राशि के जो भी लोग वाहन, प्रॉपर्टी या अन्य कोई चीज खरीदने की सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय अच्छा साबित होगा। इसके अलावा माँ के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और उनके साथ अपने संबंधों को और मजबूत बनाएं, आपके लिए अच्छा रहेगा। सिक्स हाउस पर गुरु की सप्तम दृष्टि रोग, ऋण, शत्रुओं में कमी कराने वाली रहेगी। यदि आप किसी बीमारी से परेशान हैं, तो उसमें राहत मिलेगी। किसी प्रकार के कर्ज में फंसे हैं, तो उसमें भी कमी आएगी या कर्ज समाप्त होगा। किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफलता की संभावनाएं बनेगी। इसके अलावा यदि शत्रुओं से परेशान हैं, तो आप शत्रुओं को भी परास्त करने में सक्षम होंगे, लेकिन ऐसा आप तभी कर पाएंगे जब आप इन चीजों के प्रति अलर्ट रहेंगे, अन्यथा परेशानी बढ़ भी सकती है। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहेंगे तो अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि देवगुरु का अपना घर है। अष्टम भाव आयु, अध्यात्म, अचानक से मिलने वाले फलों के साथ साथ रहस्यों का भी होता है। यह भाव मृत्यु और गुप्त धन का भी होता है। गुरु की इस भाव पर दृष्टि अध्यात्म में रुचि बढ़ा सकती है या अचानक से धन लाभ कराने वाली हो सकती है, जैसे कि पैतृक संपत्ति मिलना या लॉटरी लगना आदि से लाभ हो सकता है। इस समय अंतराल में आप हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन भी जा सकते हैं। आइए वीडियो में ये भी जान लेते हैं कि यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, तो ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मिलने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम करके ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके। देवगुरु ज्ञान, धन, माता पिता, संतान और एजुकेशन के कारक हैं। इन सभी बातों का विचार कुंडली में बृहस्पति की स्थिति से किया जाता है। इसलिए ट्वेल्थ हाउस में गुरु का गोचर और राहु के साथ युति के चलते गुरु चांडाल योग का बनना थोड़ी परेशानियां बढ़ाने वाला हो सकता है। इस गुरु चांडाल योग के चलते आप खुद में विवेक और धैर्य की कमी महसूस करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता में कमी आएगी। आप कंफ्यूज रहेंगे, भ्रमित रहेंगे। इसके अलावा जो लोग धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े हैं या जिन लोगों की अध्यात्म में रुचि है, राहु उन्हें इन कार्यों से दूर करेगा। विद्यार्थियों का भी शिक्षा में मन नहीं लगेगा। अक्टूबर 2023 में जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद स्थितियां आपके लिए ज्यादा अनुकूल बनेंगी। ऐसे में 30 अक्टूबर 2023 तक आप जो भी कार्य करें, थोड़ा सोच विचार कर और धैर्य से करें, क्योंकि उसके बाद का समय हर प्रकार से आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए वीडियो में बताए गए उपाय अवश्य करें। वृषभ राशि में जन्मे लोगों के उपायों की बात करें, तो डेली केसर और हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, या तांबे या पीतल का कड़ा पहने और पीले रंग का धागा जरूर बांधे। इसके अलावा डेली गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें। पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहने। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं। मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं, या किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे की स्कूल की फीस देकर उसकी पढ़ने में मदद कर सकते हैं, या स्कूल की बुक्स दिलवा सकते हैं। देवगुरु का यह राशि परिवर्तन मिथुन राशि में जन्मे लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा? 22 अप्रैल तक बृहस्पति आपके 10th हाउस यानी कर्म भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल को आपके 11th हाउस यानी लाभ भाव में गोचर करेंगे, और लाभ भाव में गुरु का यह गोचर आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करने वाला रहेगा। देवगुरु कर्म के स्वामी होकर आपके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। यह समय आपके व्यापार और नौकरी में प्रोग्रेस दिलाने वाला रहेगा और जॉब व्यापार में लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। एक से ज्यादा इनकम के सोर्स मिलने से लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। पुराने रुके कार्यों को गति मिलने से भी लाभ होगा।
बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि करियर में आ रही नई अपॉर्चुनिटीज का पूरा लाभ उठाएं, किसी भी मौके को हाथ से जाने ना दें। देवगुरु की दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु जहां बैठते हैं वहां तो लाभ कराते ही हैं, साथ ही जहां दृष्टि डालते हैं उस भाव से मिलने वाले फलों में भी वृद्धि करते हैं। देवगुरु की पंचम दृष्टि आपके थर्ड हाउस जो कि पराक्रम का भाव है पर पड़ रही है, और पराक्रम भाव पर गुरु की दृष्टि से आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और जितना हार्डवर्क आप करेंगे उसके अनुसार फल दिलाने वाली रहेगी। आप अपने टैलेंट से फेम हासिल करेंगे। मिथुन राशि के लोगों को इस पूरे वर्ष हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। इस समय अंतराल में आप ऐसे निर्णय लेने में सक्षम होंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। इस समय पर की गई व्यापारिक यात्राओं के भी अनुकूल फल प्राप्त होंगे। इस समय पर आपको अपने छोटे भाई बहनों के साथ अपने रिश्तों को मजबूत बनाने का प्रयास करना होगा। किसी बाहर के व्यक्ति की बातों में आकर उनसे अपने संबंध खराब होने से बचाना होगा और किसी भी तरह के भ्रम या शक के चलते जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना होगा। 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु राशि परिवर्तन करेंगे आप देखेंगे स्वतः ही आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपके फिफ्थ हाउस पर रहेगी। फिफ्थ हाउस से एजुकेशन, संतान और विवाह का विचार किया जाता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छे रिजल्ट्स दिलाने वाला रहेगा। इस समय अंतराल में आपका बौद्धिक विकास होगा। आप अपनी इंटेलिजेंस और हार्डवर्क से जीवन में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। मिथुन राशि में जन्मे लोगों की संतान की बात करें तो संतान के लिए भी समय अच्छा रहेगा। संतान पक्ष से आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जैसे संतान की शिक्षा, विवाह या नौकरी संबंधी कोई अच्छी खबर मिलने से घर में खुशियों का माहौल रहेगा और अचानक धन लाभ के भी अवसर प्राप्त होंगे। लव अफेयर्स की बात करें तो जो लोग अपने रिलेशन को शादी के बंधन में बांधना चाह रहे हैं उनके विवाह के योग बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के भ्रम और शक से अपने रिश्ते में दरार ना आने दें, क्योंकि राहु के साथ गुरु की युति भ्रम की स्थितियां पैदा कर सकती है, इसलिए राहु के उपाय करना आपके लिए अति आवश्यक रहेगा। वहीं देवगुरु की नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर रहेगी। सप्तम भाव से मैरिड लाइफ, स्पाउस, दैनिक रोजगार और पार्टनरशिप का विचार किया जाता है और देवगुरु की सप्तम दृष्टि आपकी मैरिड लाइफ को और मधुर बनाएगी, विवाह संबंधी सभी परेशानियों को समाप्त करेगी। दैनिक आय में वृद्धि के योग बनेंगे, पार्टनरशिप से जुड़े कार्यों को बढ़ाने का भी कार्य करेंगे। और मिथुन राशि के जिन युवक युवतियों के विवाह में विलंब हो रहा है या कोई अड़चने आ रही हैं, उनके विवाह के योग भी बनते नजर आएंगे। मिथुन राशि के लोगों को यहाँ ये ध्यान रखना है कि 22 अप्रैल को जब देवगुरु राशि परिवर्तन कर 11th हाउस में गोचर करेंगे तो राहु के साथ युति करेंगे और गुरु चंडाल योग बनाएंगे, जिसके चलते आप ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो सकते हैं। भ्रम या जल्दबाजी के चलते गलत निर्णय ले सकते हैं जो कि आपके नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए इस समय अंतराल में हर कार्य धैर्य और विवेक से करने का प्रयास करें। किसी भी प्रकार की शक की स्थिति बनने पर जल्दबाजी ना करें, बातचीत से स्थिति को समझने का प्रयास करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु राशि परिवर्तन करेंगे तो स्थितियां स्वतः ही आपके लिए अनुकूल बनेंगी। इसके अलावा गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए और राहु के प्रभाव को कम करने के लिए वीडियो में आगे बताए गए उपाय अवश्य करें। मिथुन राशि में जन्मे लोगों को क्या उपाय करने हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। डेली गायत्री मंत्र का जाप जरूर करें और केसर और हल्दी का तिलक लगाएं। तांबे या पीतल का कड़ा पहन सकते हैं आप, या पीले रंग का धागा पहन सकते हैं। पीली वस्तुओं का दान करें। गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र ही पहने। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। गाय को गुड़ और चने की दाल खिलाएं।
मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान भी कर सकते हैं, या किसी गरीब जरूरतमंद बच्चे की स्कूल की फीस देकर उसके पढ़ने में मदद कर सकते हैं, या स्कूल की बुक्स दिलवा सकते हैं। और साथ ही गुरु के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। डेली इस मंत्र को सुने और साथ साथ जाप भी करें। आप देखेंगे कुछ दिन लगातार सुनने से ही बृहस्पति से मिलने वाले फलों में वृद्धि होगी। राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए रात के समय कुत्तों को रोटी खिलाएं और डेली राहु के मंत्र का जाप जरूर करें। मंत्र का लिंक आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।